नंबर लगाना। बीच सड़क पर एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे में धुत की लड़की अपने आप को एडवोकेट बता रही है। दरअसल रामपुर से सतना की तरफ अरुण कुशवाहा अपनी बीवी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी एक कार और उनकी बाइक से टक्कर हो जाती है। अरुण कुशवाहा के अनुसार बात करने के दौरान कार सवार लड़की उग्र हो जाती है और बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर देती है। अरुण कुशवाहा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके बाद इन्होंने आखिरकार सीएम हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत कर दी। गाड़ी ओवरटेक करके आगे लगा दी और मारपीट की धमकी देने लगे और गाली गलौज करने लगे। तो ये वहाँ गांव वाले आ गए तो ये लोग थोड़ा आगे जाके रुक गए, हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहाँ गांव वाले सब आ गए तो थोड़ी देर हम लोग वहीं खड़े रहे 15-20 मिनट करीबन। फिर ये लोग निकल गए, हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़े सतना साइड आने के लिए। तो सतना में या माधवगढ़ के पास ये लोग रुक के हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे हम माधवगढ़ से निकले तो उनके साथ एक लड़की और दो लड़के थे गाड़ी में, उन्होंने हमको रोक लिया और फिर से गाली गलौज मारपीट करने, मारपीट तो बाद में चालू हुई, पहले गाली गलौज चालू कर दिया, नाखूनों से और चेहरे पर खरोंच दिया। जब मैंने बीच बचाव किया तो मेरे चेहरे और नाक हाथ पे भी खरोंचने की कोशिश की, झूमा झटकी, मेरे वाइफ का मंगलसूत्र छीन लिया और मेरे जेब से भी कुछ पैसे निकाल लिए। फिर किसी तरह गांव वालों ने हम लोग को बचाया और हम लोग ने पुलिस में कॉल किया। पुलिस जब तक नहीं आई थी तब तक, लेकिन उन्होंने और धमकी देने लगी कि जान से मार देंगे ये वो। तो गांव वालों ने हम लोग की जान पूरी तरह से धुत थे, नशे में खड़े नहीं हो पा रहे थे। और फिर हम लोग वहाँ से, गांव वालों ने हम लोग को बोला आप निकल जाइए क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर एक उनके साथ जो सचिन शुक्ला के लोग थे वो रॉड निकाल के हमला करने के लिए तैयार हो गए, गाँव वालों के ऊपर भी हमला करने लगे।